प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस पर देश भर में 12,850 करोड़ के हेल्थ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। पीएम ने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान से वर्चुअली 18 राज्यों में हेल्थ सर्विसेज और प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग की। इस दौरान आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कवरेज को विस्तार दिया गया। अब इसके तहत 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जिस देश के नागरिक जितने स्वस्थ होंगे उस देश के प्रगति की गति भी तेज होगी। इस सोच के साथ अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ तय किए हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यानी बीमारी होने से पहले का बचाव, समय पर बीमारी की जांच, मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं, छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना, स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार। नागरिक जितने स्वस्थ होंगे उस देश की प्रगति की गति भी तेज होगी। इस सोच के साथ अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य नीति के 5 स्तंभ तय किए हैं। पहला, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यानी बीमारी होने से पहले का बचाव। दूसरा, समय पर बीमारी की जांच। तीसरा, मुफ्त और सस्ता इलाज, सस्ती दवाएं। चौथा, छोटे शहरों में अच्छा इलाज, डॉक्टरों की कमी दूर करना। और पांचवा, स्वास्थ्य सेवा में टेक्नोलॉजी का विस्तार। भारत अब हेल्थ सेक्टर को होलिस्टिक हेल्थ केयर की नजर से देखता है। आज इस कार्यक्रम में इन 5 स्तंभों की मजबूत झलक दिखाई दी।